आज हम इंग्लिश ग्रामर मास्टर बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हियासिल हैन ने लिखा है। इस किताब में इंग्लिश सीखने के लिए 30 दिन के आसान कोर्स को बताया गया है, जिसकी मदद से हम में से कोई भी आसानी से इंग्लिश सीख सकता है। किताब को आसान एग्जाम्पल के साथ सिंपल लेसन में बांटा गया है। इसमें ऑथर बताते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ 30 दिनों तक अपने दिन के सिर्फ 30 मिनट का इस्तेमाल करके आप एक अच्छे लेवल पर बेसिक इंग्लिश सीख सकते हैं। इसके लिए किताब में बताए गए एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस की लगातार प्रैक्टिस करें, और अपनी रोज की कम्युनिकेशन में या लिखते समय आपने जो कुछ भी सीखा है उसकी डेली प्रैक्टिस करें। इससे आप इंग्लिश लैंग्वेज को आसानी से समझ सकेंगे और कम से कम समय में इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको ज्यादा इंग्लिश मिल सकती है और कहीं पर जरूरत से ज्यादा हिंदी। पर्पस सिर्फ उस चीज के लॉजिक को बेहतर तरीके से समझाना है, इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और स्क्रीन के टेक्स्ट पर भी पूरा ध्यान दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर शब्दों को उनके सिंगुलर और उनके प्लूरल रूप में एक्सप्रेस करने से रिलेटेड है। इंग्लिश सीखने से पहले आपको ग्रामर के रूल्स का पता होना चाहिए। ग्रामर हमें एक सेंटेंस को एक साथ रखने और सेंटेंसेस के ऑर्डर को मैनेज करना सिखाती है। सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा शब्द एक साथ जुड़े होते हैं, जो साथ मिलकर किसी एक बात को बताते हैं। इसमें एक बात सवाल, रिक्वेस्ट, कमांड या सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हो सकती है। सेंटेंसेस के पार्ट्स। सेंटेंस में सब्जेक्ट एक पर्सन जैसे कोई वस्तु या विचार होता है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, जैसे अगर शेर गरज रहा है तो इसमें सब्जेक्ट शेर होगा और गरजना उसका प्रेडिकेट होगा, जिसमें प्रेडिकेट का सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना पता चल रहा है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये एक फैक्ट या आर्गुमेंट को बताता है जो एक पीरियड में खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए 10 लाख लोग मुसीबत में हैं, जिसमें लोगों का मुसीबत में होना एक फैक्ट को दिखाता है जो 10 लाख लोगों तक ही खत्म हो गया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस में सवाल के होने का पता चलता है। सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होता है। एग्जाम्पल के लिए आप कहाँ रहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट से उसके रहने की जगह के लिए सवाल किया गया है और सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस में एक कमांड पीसफुल रिक्वेस्ट की जाती है जो एक्सक्लेमेशन मार्क या एक पीरियड के साथ खत्म होता है। एग्जाम्पल के लिए प्लीज मेरा छाता ले जाओ, जिसमें एक पीसफुल रिक्वेस्ट के होने का पता चलता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस सेंटेंस में एक्साइटमेंट का पता चलता है जो एक अचानक आने वाली भावना को एक्सप्रेस करता है। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ सेंटेंस खत्म होता है। एग्जाम्पल के लिए तुमने मेरा छाता तोड़ा है। तीन बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सिंपल सेंटेंस, ये सबसे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो किसी सब्जेक्ट या वर्ब या किसी काम को आपस में जोड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रेन जल्दी आ रही है, जिसमें ट्रेन सब्जेक्ट है और ट्रेन का आना वर्ब है। कंपाउंड सेंटेंस, ये एक मिला हुआ सेंटेंस है जो दो फ्री सेगमेंट को आपस में जोड़ता है, जैसे और या लेकिन। एग्जाम्पल के लिए जॉय ने ट्रेन का इंतजार किया लेकिन ट्रेन लेट हो गई। इसमें दो सेंटेंसेस को एक साथ मिलाकर बताया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये एक फ्री क्लॉज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज वाला सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस में की, से, जब तक, जब कभी, जैसा या इसलिए जैसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब कभी बारिश हो रही थी। नाउन। इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीच के शब्दों को सबसे जरूरी एलिमेंट माना जाता है, जिसमें किसी काम के होने का स्पेसिफिक मतलब बताया जा रहा होता है और शब्दों को उनके इस्तेमाल और काम के बेस पर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन के हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे कि नाउन किसी व्यक्ति, जगह, घटना, चीज, समय, वर्ब या विचार के नाम को नाउन कहते हैं, जैसे कि कुत्ता, सुंदरता, टेबल या दिल्ली। नाउन के 7 टाइप होते हैं। प्रॉपर नाउन, ये नाउन किसी स्पेशल व्यक्ति या जगह को बताने के लिए यूज किया जाता है। रिचर्ड एक अच्छा राजा था। कॉमन नाउन, इन नाउन में लोगों, जगहों और चीजों का नाम पता चलता है, जैसे कि बोतल को फ्रिज में रखें। इन नाउन्स में कई लोगों और जगहों का ग्रुप का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है, जैसे कि लोगों की भीड़, सैनिकों की सेना, भेड़ का झुंड। मास नाउन, ये उस काम या क्वालिटी के नाम को बताता है जिन्हें हमारी 5 सेंसेस से महसूस नहीं किया जा सकता, जैसे क्वालिटी, वीरता, कोमलता, मूर्खता। कॉन्क्रीट नाउन, ये नाउन उन चीजों के बारे में बताता है जिन्हें देखा, छुआ, सुना, सूंघा या चखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए फूल, घर, अंडे। काउंटेबल नाउन, ये नाउन उन वस्तुओं और लोगों के बारे में बताता है जिन्हें हम गिन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेबल, पेंसिल, नाशपाती, कुत्ता, बच्चा। अनकाउंटेबल नाउन, ये नाउन उन चीजों के नाम हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे लिक्विड और भावनाएं शामिल हैं। एग्जाम्पल के लिए दूध, पानी, नमक, सच। नाउन्स की प्रॉपर्टीज,
जब नाउन से सिर्फ किसी एक व्यक्ति, जगह या चीज का पता चलता है तब वह सिंगुलर नाउन कहलाता है। जैसे सिक्का, लड़का, कक्षा। जब दो या दो से ज्यादा नाउन से किसी व्यक्ति, जगह या चीज का पता चलता है तब ये प्लूरल नाउन कहलाता है। जैसे सिक्के, लड़के, क्लासेस। सिंगुलर को प्लूरल नाउन बनाने के रूल्स। सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ा जाता है, जैसे काइट, काइट्स, एस, सी एच, एस एच, एक्स और जी। इन आवाजों के साथ खत्म होने वाले नाउन्स के साथ ई एस जोड़ा जाता है, जैसे क्लासेस, क्लासेस। एफ और एफ ई से खत्म होने वाले नाउन, इनको वी में बदला जाता है, काफ, काफ्स। वाई से खत्म होने वाले नाउन के वाई को आई में बदला जाता है और ई एस में जोड़ दिया जाता है, सिटी, सिटीज। ई आवाज के साथ खत्म होने वाले वाई नाउन के साथ एस जोड़ा जाता है, जैसे की, कीज। कुछ ओ से खत्म होने वाले नाउन के साथ ई एस जोड़ा जाता है, जैसे ग्रोटो, ग्रोटोस। कुछ नाउन के साथ इन जोड़ा जाता है, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन। ओ आवाज के साथ खत्म होने वाले नाउन के साथ एस जोड़ा जाता है, जैसे पैटियो, पैटियोस। प्रोनाउन। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है, जैसे मैं उसका भाई हूँ, जिसमें मैं प्रोनाउन है जो नाम की जगह का इस्तेमाल किया गया है। प्रोनाउन के चार टाइप्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इसमें किसी पर्सन के बारे में उसके ऑप्शन के फॉर्म में बात की जाती है, जिसमें पहले पर्सन को मैं, मेरा, हम, हमारा, इन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। दूसरे पर्सन के बारे में बात करते समय आप, आपका, तुम्हारा, और तीसरे पर्सन और चीजों के बारे में बात करते समय वो, उसका, उसके, इन सब का यूज होता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इस प्रोनाउन में कौन, क्या या किसका इस्तेमाल करके सवाल पूछा जाता है, जैसे आप किस जगह जाना पसंद करते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, जगह या वस्तु की तरफ इशारा नहीं करते बल्कि किसी बात को जनरली बताते हैं, जैसे कोई, एक, नहीं, ना सिर्फ, हर एक, सब लोग या हर कोई इसे पसंद करता है, कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन, जब हमें ज्यादा जानकारी जोड़ने की जरूरत होती है तो हम अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो, कौन, किसका। प्रोनाउंस के यूजेस। पोजेसिव या पर्सनल प्रोनाउन नाउन की ओनरशिप को बताते हैं, जैसे ये मेरी कार है, क्या वो आपकी कार है। पोजेसिव, मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, उनका, ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं, जैसे तुम्हारा डॉग बहुत प्यारा है। इनडेफिनेट प्रोनाउन में दूसरे के ओनरशिप को दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफे और एस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एनीवन्स जॉब, समवन्स की। जब प्रोनाउन सभी, कोई, कुछ और कोई नहीं जैसे शब्दों या संख्या को बताते हैं तो उन्हें आमतौर पर प्लूरल माना जाता है। जब क्वांटिटी या मासेस को बताते हैं तो उन्हें सिंगुलर माना जाता है, जैसे सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, या सभी प्लूरल हैं। डिब्बे में रोटी नहीं है, सभी रोटी खा ली गई है, या सभी सिंगुलर हैं। वर्ब्स। वर्ब से किसी काम को करने या होने का पता चलता है। वर्ब के चार टाइप्स होते हैं। रेगुलर वर्ब, ये वर्ब अपने साथ डी या ईडी जोड़कर अपना पास्ट बनाती है, जैसे एक्ट से एक्टेड, इरेज से इरेज्ड। इरेगुलर वर्ब, ये वर्ब अपने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपेट को अलग अलग तरीके से बनाती हैं, जैसे ईट से एट ईटन, फ्लाई से फ्लू फ्लोन। हेल्पिंग वर्ब, इनका इस्तेमाल सेंटेंस के मतलब को बदलने के लिए बाकी वर्ब्स के साथ किया जाता है, जैसे होने वाली वर्ब एम, इज, आर, वॉज और वर, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वर्ब हैं। सेंसेस से रिलेटेड वर्ब, जैसे बनना, सुनना, देखना और रहना। इसके अलावा बाकी सभी वर्ब्स को लिंक वर्ब कहा जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली लिंक वर्ब्स कुछ इस तरह हैं। किया गया है, सकता है, था, होगा, रहा है, चाहिए, होगा, चाहिए, होगा, होना चाहिए। वर्ब के पार्ट्स। प्रिंसिपल, प्रेजेंट टेंस, इस वर्ब का प्रेजेंट टेंस में होने वाली किसी वर्ब या कंडीशन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वो रोटी खाता है और वो बीमार है। पास्ट टेंस, ये पास्ट में हुई किसी वर्ब या कंडीशन को बताता है, जैसे बच्चे ने बास्केटबॉल खेला या वो बीमार था। वर्ब के टेंसेस। वर्ब टेंस वर्ब का वो फॉर्म है जो काम के समय पर होने की कंडीशन को बताता है। वर्ब के टेंस के छह फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट समय में होने वाली वर्ब एक फैक्ट या किसी काम को बताता है, जैसे पहला। परमानेंट एक्शन को बताता है, जैसे सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। दूसरा, आदत वर्ब को बताता है, जैसे वो हर संडे को चर्च जाता है। तीसरा, एक चल रहे काम का पता चलता है, जैसे स्टूडेंट अभी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। पास्ट टेंस, ये पास्ट में हुए काम या कंडीशन को बताता है, जैसे वो कल एक नए घर में चले गए। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये एक पिछले काम को पूरा करने से पहले किए गए एक काम को बताता है, जैसे मेरे आने पर वो चला गया था।
फ्यूचर टेंस ये फ्यूचर में होने वाले काम को बताता है जो अभी तक नहीं हुआ है, जैसे गे, गा, गी, गु, इनका इस्तेमाल होता है। जैसे वो अगले महीने अपना प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये एक ऐसा काम है जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में चल रहा होता है, जैसे अंकल ने खाना खा लिया है। इसके अलावा एक काम जो बोलने के समय पूरा होता है, जैसे मैंने अभी अभी पेपर दिया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक काम जो किसी और काम के पूरा होने से पहले पूरा हो जाएगा, जैसे मेरे जाने से पहले सोमिल जा चुका होगा। और एक ऐसा काम है जो एक तय समय पर पूरा हो जाएगा, जैसे अगले हफ्ते तक कोर्ट का फैसला आ जाएगा। टू बी वर्ब के 6 टेंस, इसमें आप सीखेंगे कि किसी वर्ब को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में कैसे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स में यूज किया जाता है। प्रेजेंट टेंस, पहला व्यक्ति मैं हूँ, हम हैं, दूसरा व्यक्ति आप हैं, तीसरा व्यक्ति वो है, ये है, वो है। पास्ट टेंस, पहला व्यक्ति मैं था, हम थे, दूसरा व्यक्ति तुम थे, तीसरा व्यक्ति वो, ये था या थी, वो थे। फ्यूचर टेंस, पहला व्यक्ति मैं बनूंगा, हम ये होंगे, दूसरा व्यक्ति आप बनेंगे, तीसरा व्यक्ति वो ये होगा, होगी, वो होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहला व्यक्ति मैंने किया है, हम हो चुके हैं, दूसरा व्यक्ति आप थे, तीसरा व्यक्ति वो ये हो गया है, उन्होंने किया है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पहला व्यक्ति मैं गया था, हम गए थे, दूसरा व्यक्ति आप रहे थे, तीसरा व्यक्ति वो ये हो गया था, वो किया गया था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहला व्यक्ति मैं रहा होगा, हम रहे होंगे, दूसरा व्यक्ति तुम हो गए होंगे, तीसरा व्यक्ति वो ये होगा, वो रहे होंगे। ये ध्यान रखना जरूरी है कि टेंसेस कंसिस्टेंट होने चाहिए। किसी पर्टिकुलर टेंस में वर्ब के साथ शुरू करने पर वर्ब को दूसरे सेंटेंस में नहीं बदलना चाहिए। इसे और भी डिटेल में समझने के लिए आप इस बुक समरी के अलावा कुकू FM पर इंग्लिश सीखें और सफल बने की समरी को भी सुन सकते हैं, जहां इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जरूरी टॉपिक्स को डिटेल में समझाया गया है, जिससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ और भी अच्छी हो जाएगी। आप भी कुकू FM को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज, हजारों ऑडियो बुक्स और बुक समरीज को भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है, वॉक करते हुए, ट्रैवल करते वक्त, खाना खाते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं। अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC50 कूपन कोड यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वर्ब के प्रोग्रेसिव फॉर्म में 6 सेंटेंस। एक वर्ब का एक स्पेशल फॉर्म होता है जो ये बताता है कि वर्ब किसी पर्टिकुलर टेंस के समय पर जारी है और आगे बढ़ रही है। जैसे वो शादी करने का सोच रही है, इसमें शादी के बारे में सोचने की बात चल रही है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ये लगातार होने वाले काम को बताता है जिसमें अभी कुछ चल रहा होता है। ये वर्ब का वो फॉर्म है जो ING के साथ खत्म होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जिसमें वर्ब बोलना यानी कि स्पीक है, जो ING यानी कि स्पीकिंग के साथ खत्म होगा। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस ये पास्ट में हो रहे किसी काम को बताता है, जैसे जब तुम आए तब मैं गा रहा था। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस ये भविष्य में हो रही या होने वाले काम या वर्ब को बताता है, जैसे मैं तुम्हें रोज फोन करूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस ये पास्ट में शुरू की जाने वाली या होने वाली वर्ब को बताता है जो प्रेजेंट में भी चल रही है, जैसे मैं आपको फोन कर रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस ये पास्ट में किसी किए गए काम को बताता है जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, जैसे मैं दौड़ रहा था इसलिए मुझे थकान महसूस हो रही थी। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस ये भविष्य पर एक पॉइंट पर होने वाले किन्हीं दो काम को ही बताता है, जैसे सूरज डूबने तक हम 8 घंटे इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। वर्ब के दो ग्रुप रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। रेगुलर वर्ब्स अपने प्रेजेंट टेंस में ED या D जोड़कर अपना पास्ट टेंस बनाते हैं, जैसे अलर्ट का पास्ट फॉर्म है अलर्टेड। इरेगुलर वर्ब्स ये वो वर्ब्स हैं जो पास्ट टेंस नहीं बनाते बल्कि एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किए जाते हैं। कुछ रेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल्स, वर्ब पास्ट टेंस किसी चीज या वस्तु के पास्ट में वो काम जो हो चुका है। पास्ट पार्टिसिपल ऐसा काम जो पास्ट में चल रहा है उसे बताने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अलर्ट alerted, अलर्टेड। अनाउंस announced, अनाउंस्ड। अप्रोच approached, बार्टर bartered, बॉयल boiled, calculated, chewed, claimed, dared, defined, denounced, dissolved, edified, entertained, estimated, estimated, equip, equipped,
फैब्रिकेट, फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड, फैसिलिटेट, फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड, फोर्टिफाई, फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड। कुछ इरेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल्स, सिंपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, अवेक, अवोक, अवेकन, बिगिन, बिगन, बिगन, बीट, बीट, बीटन, बाय, बॉट, बॉट, बाइट, बिट, बिटन, चूज, चोज, चूजन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, हाइड, हिड, हिडन, राइज, रोज, राइजन, राइड, रोड, रिडन, रिंग, रैंग, रंग, रन, रैन, रन, शेक, शुक, शेकन, सिंक, सैंक, संक, टेल, टोल्ड, टोल्ड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और ग्रामर के 10 बेसिक रूल्स। जब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स को नहीं से जोड़ा जाता है तो वर्ब के सिंगुलर रूप की जरूरत होती है, के द्वारा, साथ में, सहित, इसके अलावा, से कम नहीं, नहीं वर्ब के रूप को अफेक्ट नहीं करते हैं। जब वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है तो वर्ब अपने सब्जेक्ट से एग्री होता है। आमतौर पर यह और वह वर्ब के सिंगुलर फॉर्म होते हैं, जबकि ये और वो प्लूरल फॉर्म में अनसर्टेन प्रोनाउन को, चाहे सिंगुलर या प्लूरल हो, आमतौर पर वर्ब के तीसरे व्यक्ति के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हर कोई, सब कुछ, कोई भी, कुछ भी, कोई, कुछ, एक, बात, कोई नहीं। किसी किताब का टाइटल सिंगुलर माना जाता है। लोग एक सिंगुलर शब्द है जिसका मतलब प्लूरल में कई व्यक्ति, लोग, अलग अलग जातियों के बारे में बताते हैं। मनी, टाइम मेजरमेंट और दूरी का जिक्र करने वाले नाउन को सिंगुलर माना जाता है। मैथ्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स जैसे नाउन्स का इस्तेमाल वर्ब के सिंगुलर रूप के साथ किया जाता है। नाउन ग्रुप के लिए सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। वर्ब्स, वॉइस। वॉइस एक ग्रामेटिकल शब्द है जिसका इस्तेमाल ये बताने के लिए किया जाता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। वॉइस दो तरह की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जो उसकी वर्ब पर काम करता है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में एक मजबूत, सीधा और साफ वॉइस होता है, जैसे जेली ने गिटार बजाया। पैसिव वॉइस में काम के होने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि उसके करने वाले पर, जैसे ये देश बहुत अच्छे से चल रहा है। मोड्स ऑफ वर्ब्स, इंडिकेटिव, इंपेरेटिव, सब्जंक्टिव एंड इन्फिनिटिव, इंग्लिश वर्ब के 4 मोड हैं। इनके थ्रू बातों को एक्सप्रेस किया जाता है। इंडिकेटिव मोड, हम फैक्ट या सवाल बताने के लिए इस मोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फैक्ट, स्टूडेंट ने लेटर लिखा। सवाल, क्या आप शहर में काम करते हैं। इंपेरेटिव मोड, रिक्वेस्ट, आदेश और सलाह देने के लिए इंपेरेटिव मोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिक्वेस्ट, प्लीज क्लास में बात ना करें। एडवाइस, बाहर देखें। ऑर्डर, उस दरवाजे को बंद कर दें। सब्जेक्टिव मोड, अनरियलिस्टिक सिचुएशन, पॉसिबिलिटीज और इच्छा को बताने के लिए सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अनरियलिस्टिक, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक स्पोर्ट्स कार खरीदता। पॉसिबिलिटी, अगर हम काफी मेहनत से देखें तो हमें उसकी अंगूठी मिल सकती है। विश, काश बारिश रुक जाती। इंग्लिश मॉडल, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जो उनका स्पेशल मतलब बताते हैं। कैन, कुड, कैन का मतलब हो सकता है, होता है। इसे एबिलिटी, पॉसिबिलिटी आदि के बारे में बताने के लिए यूज किया जाता है, जैसे एबिलिटी, मैं अच्छा गा सकता हूँ, यूनिस पूरे दिन खेल सकता है। संभावना, जैसे जुए में कोई भी बहुत पैसे खो सकता है। परमिशन, अब आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कुड का इस्तेमाल कैन की जगह पास्ट की किसी घटना को बताने के लिए किया जा सकता है, जैसे जब वो छोटी थी तब वो स्पेनिश बोल सकती थी। मे, माइट, मे में सिर्फ 2 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस में मे और पास्ट टेंस में माइट। मे को परमिशन देने, पर्पस को बताने या पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब हो सकता है, होता है, जैसे परमिशन, क्या मैं कमरा छोड़ सकता हूँ। शक या संभावना, बस देर से आ सकती है, वो आ सकता है लेकिन मुझे इसमें शक है। पर्पस, वो अपने रिसर्च पर काम कर रहे हैं ताकि वो इस टॉपिक को सॉल्व कर सकें। वो अब बचत कर रहे हैं ताकि वो बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। शुड, ऑट। शुड और ऑट इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किसी काम को करने के लिए कहने का एक सॉफ्ट तरीका है, जैसे स्टूडेंट्स को मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। शुड और ऑट का इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी बताने के लिए भी किया जाता है, जैसे आपको इस इन्वेस्टमेंट से बड़ा फायदा होना चाहिए, आपको अगले साल ग्रेजुएट होना चाहिए। मस्ट एंड हैव टू, मस्ट का मतलब जरूरी है, होता है। इसके जरिए ये कहा जाता है कि ये काम करना ही करना है, जैसे आप अपनी क्लास में जरूर जाएं, उसे आज ये काम जरूर करना है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वाली बात को बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जैसे इस बैग पर आपका नाम लिखा है इसलिए मुझे लगा कि ये आपका ही होगा। हैव टू का इस्तेमाल सभी टेंस में जरूरत को बताने के लिए भी किया जाता है,
जैसे जस्टिन और काइल को आज रात पढ़ाई करनी है। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। वर्ब उससे जुड़े पर्सन या नंबर से एग्री होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। जैसे वो हर दिन बहुत पैसे कमाता है, इसमें बहुत पैसे अपने आप में प्लूरल हैं, लेकिन ये एक सिंगुलर पर्सन के साथ जुड़े हैं, इसलिए इसे सिंगुलर के तौर पर पढ़ा जाएगा। कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्रीमेंट। कंपाउंड सब्जेक्ट बेसिकली और, या, ना, नहीं, या तो, ना तो जैसे वर्ड से जुड़े होते हैं। जब किसी सब्जेक्ट में दो या दो से ज्यादा काम जुड़ते हैं तब सब्जेक्ट को प्लूरल मानते हैं और वर्ब के प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे उनकी बेटी और उनका बेटा चाहते हैं कि वो फ्लोरिडा चले जाएं। अगर दो जुड़े हुए पार्ट्स किसी एक पर्सन या चीज को बताते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे रेस्टोरेंट के शेफ और मालिक अच्छा पास्ता बनाते हैं, इसमें शेफ और मालिक मिलकर हालांकि प्लूरल बनाते हैं लेकिन काम एक हो रहा है, तो इसमें वर्ब की सिंगल फॉर्म का यूज करेंगे। कलेक्टिव नाउन्स के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कलेक्टिव नाउन्स अक्सर पर्सन और वस्तु के ग्रुप के बारे में बताती है। हम अक्सर सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं जो लोगों के ग्रुप को दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए टीम, सरकार, कमेटी। इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ वर्ब का एग्रीमेंट। इनडेफिनेट प्रोनाउन कोई, कोई भी, हर कोई, कुछ, कोई नहीं, हर एक इस तरह के शब्द जिसमें एक ही शब्द के जरिए काफी सारे लोगों या चीज की बात की जाती है, उसमें इसमें सिंगुलर वर्ब की जरूरत होती है। जैसे कोई मोती गायब है, इसमें पता नहीं है कि कितने मोती गायब हैं या कौन सा मोती गायब है, लेकिन ये कन्फर्म है कि गायब है, इसलिए इसे बताने के लिए इसे यूज करेंगे। दोनों वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस प्लूरल होते हैं। एग्रीमेंट के स्पेशल केसेस। पेंट, सरौता, कैंची, ये चिमटे जैसे शब्द प्लूरल हैं और प्लूरल वर्ब में यूज किए जाते हैं। एक प्लूरल नाउन का वजन, सीमा या मेजर के बारे में बताती है। सिंगल वर्ब के फॉर्म में यूज की जाती है। वर्ब सेंटेंस के मतलब के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल है जब ये किसी मास या वॉल्यूम को बताते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं, जब वो किसी पर्सन या चीजों को बताते हैं तो वो प्लूरल होते हैं। आमतौर पर एक फर्म का नाम अक्सर सिंगुलर माना जाता है भले ही टाइटल में प्लूरल रूप हो। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है और उस नाउन या प्रोनाउन और सेंटेंस में किसी और शब्द के बीच मौजूद रिश्ते को बताता है। जैसे बॉल को टेबल के नीचे रखा गया था, इसमें प्रीपोजिशन से ये पता चल रहा है कि बॉल नीचे है और टेबल ऊपर है। एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव ऐसे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। ये किसी चीज या पर्सन की विशेषता को बताते हैं जो पहले से ज्यादा क्लियर और अट्रैक्टिव बनाते हैं। जैसे किसी तरह, कितने, कितना, कौन सा। इन एग्जाम्पल में सेब और आसमान नाउन है जिन्हें उनकी विशेषताओं के साथ एडजेक्टिव कुछ इस तरह बताते हैं। व्हाट काइंड, हाउ मेनी, हाउ मच, विच वन, क्लियर स्काई, 10 apples, इनफ वाटर, दोज पैंट्स, लवली रोड, 3 roads, इनएडिक्वेट वाटर, दिस रोड, ओल्ड हाउस, 5 houses, एम्पल रूम, दैट हाउस। एडजेक्टिव के प्रकार। इनडेफिनेट एडजेक्टिव जैसे कुछ, बहुत, थोड़े, इन जैसे शब्दों के साथ यूज किया जाता है। इसे काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, जैसे मेरे पास घर पर कई किताबें हैं। किस नॉन काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, जैसे मेरे पास इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है। कंजंक्शन। कंजंक्शन शब्दों या शब्दों के ग्रुप को एक साथ जोड़ता है। इसके टाइप कुछ इस तरह से होते हैं। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उन शब्दों को एक साथ जोड़ता है जिनमें एक जैसा ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे जूलिया और पेट्रा सुंदर लड़कियां हैं, इसमें दोनों लड़कियों के लिए एक ही बात की जा रही है, इसलिए इसे एक साथ जोड़कर बताया जा रहा है। एक ही तरह के शब्दों या शब्दों के ग्रुप को जोड़ने के लिए कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे न हम और न वो चाहते हैं, इसमें एक जैसी बात को एक साथ जोड़कर बताया जा रहा है। मैं आपसे मिलने आऊंगा चाहे नाव से या हवाई जहाज से, इनमें एक जैसी बात को एक साथ जोड़कर बताया जा रहा है। कॉमा। कॉमा बताता है कि किसी बात को थोड़ा ठहर के कहने की जरूरत है। किसी देश या राज्य के नाम से किसी शहर का नाम अलग करते हुए बताने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे मेरे बच्चे का जन्म 29 जुलाई 2013 को सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में हुआ था। अपनी दो बातों को एक साथ कहने के लिए कॉमा का यूज होता है। जैसे आपका लेटर पढ़कर मैं इतना एक्साइटेड था कि आपको देखने का मन करने लगा। इंट्रोडक्टरी शब्द को सेंटेंस से अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हाँ मैं कल आऊंगा। फॉर्मल लेटर में ग्रीटिंग के बाद कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। हेलो डियर सर। सीरीज में शब्दों और फ्रेजेस को अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम इस चैनल पर आपके लिए सेल्फ हेल्प, लीडरशिप, फाइनेंशियल एजुकेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। एक डिक्लेरेटिव क्लॉज और उसके बाद आने वाले इंटरोगेटिव क्लॉज को अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तुम्हें अब अपने लवर के साथ वहां जाने की परमिशन मिल गई है ना। हजार या उससे ज्यादा नंबर करेंसीज में लिखते समय कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गली
कमरे, पोस्ट ऑफिस और मोबाइल नंबर्स के लिए नहीं। जैसे $1,000,000, दो नंबर्स को अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरे हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में 98, 96 और 92 नंबर आए। तो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर मास्टर बुक से हमने इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक के बारे में डिस्कशन किया। किताब की हेल्प से कोई भी इंग्लिश का बेसिक लेवल सीख सकता है। किताब में इंग्लिश सीखने के लिए जरूरी टॉपिक्स को कवर किया गया है, जिसे आपने समझ लिया होगा, और लगातार प्रैक्टिस के जरिए आप जल्दी ही इंग्लिश में माहिर हो जाएंगे। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग पर और भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना पाएंगे।